नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। आप लोगों को पता ही है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आज आने वाले थे, सही बात है, आज भी गए हैं। उनका भव्य स्वागत भी किया गया है और वो 3 बजे यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे कि उनका कथा प्रवचन होने वाला है और काफ़ी भीड़ भी लग चुकी है। बता दें कि करीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 5 लाख से ऊपर यहाँ पे श्रद्धालु उनको देखने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और आपने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को भी जान रहे हैं और उनके अर्जी के बारे में भी काफ़ी चर्चा होते रहती है, तो वो अर्जी कैसे लगाई जाती है यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 20 फीट का एक बजरंगबली का प्रतिमा बनाया जा रहा है, वो प्रतिमा हमारे सामने है, आप लोगों के नज़र के सामने है। कितना सुंदर प्रतिमा बनाया हुआ है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और उनके आसपास चारों तरफ देख लिए किस प्रकार से अर्जी लगाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और उनको उनका जो है कि देख लीजिए, सबके मुख पे सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाते हुए उनका जो है कि महिमा को देख रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से अर्जी लगा रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो अर्जी लगाते हैं और फिर हर श्रद्धालु का पर्चा खोलते हैं। देखिए यही वो अर्जी है, नारियल का नारियल में सालुक बांध करके और अर्जी बांधे हुए हैं। और श्रद्धालु को तरह तरह के अपने विचार को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और अर्जी लगाए हुए हैं। और इस अर्जी को धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के द्वारा खोला जाएगा और लोगों का पर्ची देखा जाएगा और पर्ची के अनुसार लोगों का दुख भी देखा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी कलश भी भरा गया है, कलश अंदर में रखा गया है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ के श्रद्धालु से कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करके देखते हैं कि आखिर ये लोग जो पर्ची लगाए हैं किस प्रकार से लगाए हैं। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं।